हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अयोध्या केस के बारे में। इस केस का जो टाइटल है वो है एम सिद्दीकी वर्सेस महंत सुरेश दास। ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सुना गया था अंडर द बेंच ऑफ रंजन गोगोई, बॉबडे, अशोक भूषण, चंद्रचूड़, नाजिर। ये केस 2019 में हेयर किया गया था, मतलब सुना गया था। देखिए, शायद आपको मालूम होगा बाबरी मस्जिद 16वीं शताब्दी की एक मॉस्क्यू है जो कि अयोध्या में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और जो साइट है इसे राम जन्मभूमि भी माना गया है, मतलब इट इज ए प्लेस वेयर राम टुक बर्थ। और ये जो माना जाता है, ये माना जाता है मेजोरिटी ऑफ हिंदूज बिलीव दैट राम बोर्न इन अयोध्या। 1949 में इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति बन गई थी और दिसंबर 29, 1949 में फैजाबाद हाई कोर्ट द्वारा इस साइट को स्टेट कस्टडियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दिया गया ताकि किसी भी तरह की होने वाली कॉम्यूनल वायलेंस को रोका जा सके। इस केस में एडिशनल मैजिस्ट्रेट ने प्रीलिमिनरी ऑर्डर्स को इशू किया अंडर सेक्शन 145 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 और डायरेक्ट किया जो साइट है उसे अंडर रिजर्वशिप ऑफ चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया जाए। अब जो 1949 के ऑर्डर थे इससे प्रभावित होकर तीन सूट को फाइल किया गया जो कि चैलेंज कर रहे थे 1949 के ऑर्डर को। और ये तीन पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने एक सूट फाइल किया और क्लेम किया कि वो राम जन्मभूमि के असली मैनेजर हैं। 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ ने सूट फाइल किया और मॉस्क्यू का जो अधिकार था, उनका जो राइट था, वापिस मांगा। 1981 में सीनियर एडवोकेट DOKN अग्रवाल ने सूट फाइल किया भगवान राम के नाम पर अलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और जो इससे पहले की सूट थे वो सब के सब इस कोर्ट में मूव कर दिए गए। 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद पर हिंदुओं ने चढ़ाई की और उसे तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया। 2010 सितंबर के अंदर अलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट को डिलीवर किया और अयोध्या जन्मभूमि को तीन हिस्सों में बांट दिया। कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा है उसको जो टाइटल वो क्लेम कर रहे थे वो दे दिया गया उन्हें। त्रिलोकीनाथ जो भगवान राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थे उन्हें भी हिस्सा दे दिया गया। इससे पहले भगवान राम को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने वाले थे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट DOK अग्रवाल। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था उसे भी उस जमीन का हिस्सा दे दिया गया। अब ये तीनों पार्टी ने अपने वेरियस राइट को क्लेम किया 2011 के अंदर और अलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को साइड में कर दिया गया। 8 जनवरी 2019 को चीफ जस्टिस गोगोई ने रीअसाइन कर दिया केस को टू 5 जज बेंच अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को यूज करते हुए। मार्च 2019 में कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो भी पार्टीज हैं ये मीडिएशन की ओर जाएं और उन्हें 8 हफ्ते का टाइम दिया गया। अब जो लोग डिस्प्यूट में थे उनमें से गोपाल सिंह थे जिन्होंने अप्रोच किया कोर्ट को और कहा कि हीरिंग को चालू रखा जाए क्योंकि मीडिएशन से किसी भी तरह का कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। अगस्त के अंदर कोर्ट ने फाइनल आर्ग्यूमेंट को सुना और नवंबर 2019 को, मतलब नवंबर 9, 2019 को कोर्ट ने जजमेंट को डिलीवर किया अपनी पावर को यूज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 के। और कोर्ट ने जो टाइटल था वो अवार्ड किया श्री राम को और स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि सुन्नी वक्फ को अलग से जगह दी जाए मॉस्क्यू बनाने के लिए। तो आज हमने अयोध्या केस के बारे में जाना जो कि बहुत लंबे समय से विवाद में था और आखिरकार मंदिर जहाँ बनना चाहिए था वहीं बन गया। मुबारक हो, आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे और भगवान के करीब हो गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए क्या कहना, भगवान राम का वीडियो है, चक दो फटे, कोई गली नहीं है।